आर्टिकल 21 की बात कर रहे थे ना, आर्टिकल 21। गुड इवनिंग मुस्कान, ठीक है चलिए। तो आर्टिकल 21 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो आर्टिकल 21 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स के बारे में, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर जो दिए हुए हैं वो हमने पढ़ लिए थे, है ना। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है आपका, पढ़ लिया था हमने, ठीक है। प्राइवेसी है, शिक्षा पाने का है, एजुकेशन, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अगर मैं कहूँ हमने एजुकेशन जो है कवर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा आपका प्राइवेसी वाला भी पढ़ लिया है थोड़ा सा, मैंने इसमें एक केस के बारे में आपको नहीं बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने बात किया था वो किया था एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार के बारे में भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर इनके बारे में बातचीत हो गई थी। देन वी विल गो विद द अदर राइट्स इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। तो हम कुछ और चीजों के साथ जाएंगे जो आर्टिकल 21 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। जैसे इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। इसको हम कई बार पॉल्यूशन से जोड़कर भी देखते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर आपको एक फंडामेंटल राइट है गाइस, ठीक है। मतलब आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में, क्योंकि आपको अच्छे से डिग्निटी के साथ लाइफ जीने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं विद डिग्निटी, ठीक है। अब क्योंकि आप डिग्निटी के साथ लाइफ जी सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास धूल धुआं पॉल्यूशन ये सब हो रहा है, तो फिर किस बात की डिग्निटी, है ना। डिग्निटी तो आपकी खत्म हो गई, मतलब यू आर नॉट गेटिंग अ गुड लाइफ। और इसके बाद तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। आपने अच्छी लाइफ की मांग की थी, फंडामेंटली आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे भी दी अच्छी लाइफ, लेकिन मिली नहीं, पॉल्यूशन है, धुआं है, सांस नहीं ले पा रहे हैं आप, तो ऐसे में क्या होगा, यू आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ। तो आप अच्छी लाइफ कैसे जिए, आपका फंडामेंटल राइट है अच्छी लाइफ जीना, ठीक। तो आपको ये अच्छी लाइफ जीने का अधिकार जो है वो दिया गया स्टार्टिंग में एमसी मेहता का जो केस आता है उसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर केस का नाम भी लिख लेता हूँ, आप लोग नोट साथ में बनाते रहेंगे, है। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ठीक है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या होता है, दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल डीजल के जो वाहन है उनसे रिगार्डिंग, उनसे रिलेटेड ये केस है, पहला केस जो एनवायरमेंट से रिलेटेड आता है आर्टिकल 21 को क्लेम करते हुए, ठीक है। उसके बाद फिर यही केस 1996 में आता है दिल्ली के कारखानों से रिलेटेड, ठीक है। कब भैया कारखाने धुआं छोड़ रहे हैं, वाहन धुआं छोड़ रहे हैं, ऐसे में कहां हमारी लाइफ रह गई। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि 1996 के अंदर न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जो है वो रहते हैं, ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, ये जो है एक सुझाव देते हैं। ये कहते हैं कि यार हरित पीठों का गठन कर लिया जाए। हरित पीठ से हमारा मतलब है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए जाए, ये कहते हैं कि भैया ग्रीन ट्रिब्यूनल बना लो, और वो जो है हरित पीठ जो है वो अपना अपना काम कर लेंगी, एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग जितने भी केसेस हैं वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। तो ठीक है, एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है भैया ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो काम करेगा। और इसके बाद से आपको पता है एनजीटी का गठन होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा एनजीटी को, और इसके आगे लिख देना फ्यूचर में पढ़ेंगे। एनजीटी के बारे में बहुत डिटेल से हमको आगे पढ़ना है, तो एनजीटी को हम आगे पढ़ेंगे। पर याद रखना एनजीटी जो आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, उसमें आता है। इसमें क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध आपको संरक्षण दिया गया है, ठीक है। अगेंस्ट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यू आर हैविंग अ फंडामेंटल राइट दैट यू हैव टू बी सिक्योर इन एनी पॉल्यूशन, ठीक है। आपको जीने की स्वतंत्रता है, तो वहां ये केस आपका आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया। इसके अलावा जैसे कुछ सिंपल सिंपल आपको मैं और बता दूं यहाँ पर, जैसे कि हथकड़ी लगाना है अभियुक्तों से संबंधित, जैसे किसी पर ऊपर आरोप लगाया गया, ठीक है, इज गेटिंग एन पनिशमेंट, और हो सकता है कि अभी पनिशमेंट नहीं मिली है, कोर्ट के अंदर अभी वो जा रहा है, ठीक है। तो ये बताओ भैया हथकड़ी लगाई जा सकती है क्या, नहीं, कुछ ही केसेस में लगाई जा सकती है, वो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। बेलेबल कौन है, नॉन बेलेबल कौन से हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं, जब इनके बारे में बात चलेगी तो वहां पे ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे। अभी इतना समझना कि हर केस में हथकड़ी नहीं लगती है, जब तक कि केस बहुत बड़ा ना हो, मतलब आप ये मान के चलिए मर्डर वर्डर का केस ना हो, आपने कुछ चोरी वोरी हुई है या सिंपल हुआ है, तो उसमें हथकड़ी जो है वो नहीं लगाने का प्रावधान है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है। केवल हथकड़ी का ही प्रावधान नहीं, जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को अरेस्ट किया गया लेकिन उसके पास वकील नहीं है,
तो ऐसे में उसको क्या दिया जाएगा, वकील प्रोवाइड किया जाता है, सरकारी वकील कहते हैं ना, तो फ्री लीगल एड, तो भैया उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी। अब किसी गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, अरेस्ट कर लिया गया उसको, पुलिस वालों ने उठा लिया, अरेस्ट हो गया, एफआईआर है उसके खिलाफ, अब बेचारा केस कैसे लड़ेगा कोर्ट में, खुद तो बोल नहीं सकता। एंड कोर्ट विल प्रोवाइड अ फ्री लीगल एड, कोर्ट क्या करेगा उसको एक फ्री लीगल एड दे देगा कि भैया ये लो आपको कानूनी रूप से हम क्या देते हैं, वकील देते हैं, ये लॉयर जो है वो आपके लिए काम कर देगा। ठीक है, चलिए, तो फ्री लीगल एड जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग इसके अलावा, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी को फांसी दी गई है और बाद में कोर्ट उसी फांसी को चेंज कर देता है उम्र कैद में, इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट जो मेजर रीजन है वो क्या है कि इसको फांसी की सजा हुई और उसके बाद इसको फांसी देने में डिले हुआ, ठीक है, डिले हुआ या सजा या पनिशमेंट या केस में डिले हो गया, तो ऐसे में कोर्ट उसको उम्र कैद कर देती है। क्यों? क्योंकि डर के साथ जी रहा है ना बेचारा, फांसी हुई है आज लटके कल लटके, ऐसी डर उसके अंदर बनी हुई है, तो ऐसे में कोर्ट कहता है कि यार ये तो जिंदगी नहीं हुई, इससे अच्छा तो मार ही देते, फांसी लगा देते, फांसी नहीं लगाई तो उसको उम्र कैद दे दो, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा थर्ड डिग्री, तो थर्ड डिग्री जो है जिसको हम पुलिस के अंदर जब रखा जाता है किसी को, तो मारपीट हो जाती है या पुलिस कस्टडी के अंदर जब किसी के ऊपर कोई अत्याचार किया जाए, उत्पीड़न किया जाए उसका, तो इस थर्ड डिग्री को जो है वो मना किया गया है आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, उसके अलावा स्पीड ट्रायल, अगर किसी को स्पीडी ट्रायल चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, किसी बेचारी की जान पे बनाई है और हम कह रहे हैं कि नहीं आज की डेट नहीं है 3 महीने बाद आइएगा, तो ऐसे वाले केसेस में स्पीडी ट्रायल्स, ये सब आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसके अलावा आर्टिकल 21 के अंदर जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है राइट रिलेटेड टू वुमेन्स, महिलाओं से रिलेटेड जो अधिकार हैं वो भी आते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, थोड़ा सा इनको भी पढ़ देते हैं। राइट्स रिलेटेड विद वुमेन्स, ठीक है, तो कुछ महिलाओं से रिलेटेड जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वह भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता का पार्ट है। जैसी विशाखा जो एनजीओ है, विशाखा एनजीओ, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहा है, ठीक है, विशाखा एनजीओ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। ये विशाखा केस के बारे में आप याद भी कर लीजिएगा, मैं आपको अलग से इसके बारे में बाद में बता भी दूंगा जब मैं केस की बात करूंगा। ठीक है, विशाखावाद कहते हैं इसको, ठीक है, विशाखा एनजीओ था एक राजस्थान के, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा जो है, ठीक है, ये आपका मान के चलिए 1997 का जो केस है ये है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान करके, ठीक है, 1997 का केस है। तो इस केस के अंदर अगर कोई कार्यस्थल पर है, वर्किंग वुमन है जहां वो काम करती है, ठीक है, वहां पर उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए थे वर्किंग वुमेन्स को, और बाकायदा ये कानून बाद में बने थे, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी पहले जारी कर दी थी कि भैया इन चीजों को फॉलो किया जाना चाहिए। अब मैं कुछ सिंपल सिंपल चीजें आपको इसमें बता देता हूँ जो समझने के लिए आसान है, ठीक है, देखिए, जैसे वर्किंग वुमेन्स के फंडामेंटल राइट क्या है, अगर कोई प्रस्ताव देता है कार्य के दौरान किसी भी तरीके का, कोई भी गलत प्रस्ताव उसको देता है, तो ऐसे प्रस्ताव को, ऐसे जो भी चीजें उनके सामने रखी जाएंगी उसे मना किया गया है, ठीक है, ऐसा कोई अश्लील लिटरेचर साहित्य दिया जाए उसके लिए भी मना किया गया है, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई गलत तरीके से छींटा कसी की जाती है, कोई कमेंट किया जाता है, उसको भी मना किया गया है वर्किंग वुमेन्स के लिए, वर्किंग कंडीशंस के अंदर, वैसे तो सभी जगह मना है, पर वर्किंग कंडीशन में कोई किसी ऑफिस में काम करती है वहां किसी भी सीनियर जूनियर किसी भी तरीके से, ठीक है, या फिर कोई भी संकेत किए जाते हैं, इशारे किए जाते हैं, इन सारी चीजों को इस तरीके से कुछ वर्किंग वुमेन्स को विशाखावाद के अंदर कुछ राइट्स दिए गए कि भैया ऐसा अगर आपके साथ कहीं भी होता है, वो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तुरंत केस कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है दिल्ली, एक और केस आता है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमन फोरम, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमन फोरम, ठीक है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 में है, 1995। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसी बात हुई थी, इसके अंदर वर्किंग वुमेन्स तो आई थी लेकिन श्रम करने वाले जो मजदूरी करते हैं या घरेलू श्रमिक हैं, ऐसी महिलाओं के बारे में बात की गई थी, तो ये भी किसमें आएगा, आपका आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन आता है, तो मैं कुछ सिंपल चीजें आपको बता देता हूँ, नोट करना हो आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एक है फूड, भोजन का अधिकार, ठीक है, ये सबको दिया गया है, इसमें आपने देखा होगा मिड डे मील वगैरह स्कीम्स भी चलाई जाती है या सरकार अंत्योदय योजना वगैरह चलाती है, सब भोजन का अधिकार है, ठीक है। फिर दिया गया है आपको आश्रय का आधार,
घर का अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट है आपका ये। तो जैसे किसी के पास घर नहीं होता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाते हैं, रैन बसेरे बनाए जाते हैं, है ना, तो ये सब इसी के अंदर आएगा आपका, ठीक है। फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड हेल्थ, अभी आयुष्मान हेल्थ कार्ड वगैरह चल रहा है, करंट अफेयर से रिलेट करते चलिए, ठीक है, हेल्थ कार्ड, ठीक है, ये इसमें अंदर आएगा। हेल्थ कार्ड के अंदर एक केस भी आता है, परमानंद कटारा का केस। तो हेल्थ या स्वास्थ्य के संबंध में आपको याद रखना है, परमानंद कटारा केस का संबंध किससे है, स्वास्थ्य से है, ठीक है। परमानंद कटारा जो केस है उसका संबंध किससे है, स्वास्थ्य सुविधाओं से उसका संबंध है, ठीक है। उसके अलावा बिजली पाने की आपको फ्रीडम है, बिजली पाना आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, बिजली आपको मिलनी चाहिए। उसके अलावा सुरक्षित यात्रा, सेफ यात्रा आपकी हो, साथ में विदेश यात्रा, ये विदेश यात्रा का फंडामेंटल राइट आपको किसमें है, आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। और ये किसमें आता है, जो विदेश यात्रा वाला है। अच्छा एक और चीज यहीं पे मैं आपको रिलेट भी कर देता हूँ, देखो आपने एक सुना होगा, इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करने की आपको आजादी है, इंडिया में फ्री ट्रेवल आप कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपका किसमें आएगा, आर्टिकल 19(1) में आएगा, ठीक है। भारत में निर्बाध रूप से कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी घूमना हो तो ये स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल 19 के अंदर ना आकर के वर्ल्ड ट्रेवल आपका 21 में आता है, ठीक है। मानेका गांधी केस जो है वो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट केस माना जाता रहा है। सो मानेका गांधीवाद का संबंध किससे है अगर पूछा जाए तो तुरंत आपने कहना सर आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड या विश्व स्तर पर अगर किसी को घूमने जाना हो तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। विश्व स्तर पर अगर किसी को घूमना हो, कहीं दूर जाना है, वीजा वगैरह इन चीजों की जो है उसमें उसका आपका रिलेशन है किससे, मानेका गांधी केस से, आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके अलावा एक थोड़ा सा फनी बट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछ सकता है, सोने का अधिकार, ये भी आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, स्लीप या फिर सोने का अधिकार आपका मूल अधिकार है, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर, यानी कि अगर आपको कोई सोने से रोकता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये अपने लिए स्टार लगा लीजिए और तो क्या है, ठीक है। चलिए तो आर्टिकल 21 इज रिलेटेड विद स्लीप, सोने का अधिकार भी है। तो अगर ये क्वेश्चंस कहीं आ जाते हैं तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई आर्टिकल था, ऐसा भी कुछ चीज दिया गया था हमको, समझ में आ गया, ये चीजें आपको रिलेट करनी है। तो आर्टिकल 21 अपना क्लियर है, आर्टिकल 21 पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, हम आर्टिकल 22 की तरफ जाएंगे, ठीक है। 21 अपना कवर हो गया है, पूरा खत्म कर दिया हमने 21 के बारे में, ठीक। वी विल बेसिकली गो थ्रू द आर्टिकल 22, ठीक है। ल्यूसेंट वगैरह की बुक अगर आप लोग यूज करते हैं तो उसमें ये थोड़े सिंपल तरीके से दिए गए हैं, कोशिश कीजिएगा कि ल्यूसेंट से अगर आप पढ़ते हैं तो केवल फैक्चुअल डाटा के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और बाकी फिर इस क्लास नोट्स बना करके डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 के अंदर क्या है, जो किसी को हिरासत में लेना है उस कुछ दशाओं में उसको गिरफ्तारी से जो है वो संरक्षण दिया जाता है, और कुछ दशाओं में नहीं भी दिया जाता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। सो हम लोग बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 22 की। अब आर्टिकल 21 हो चुका है अपना, तो आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, और ये क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है, ठीक है। तो इसका पूरा संबंध आपका किससे हुआ, गिरफ्तारी या अरेस्ट करने से संबंध हुआ इसका, है ना, किसी की अरेस्ट होने, अरेस्ट करने, या उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि कब उसको अरेस्ट किया जा सकता है, कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और अगर किसी को अरेस्ट कर भी लिया तो क्या क्या तरीके होने चाहिए भैया उनको रखने के, ठीक है। तो बेसिकली जो एक कॉमन वर्ड हमारे लॉ बुक में आता है अरेस्ट करने से रिलेटेड, वो क्या है, हिरासत। तो इसका संबंध हिरासत से जुड़े हुए अधिकारों से है, किसी आदमी को हिरासत में लिया गया है उससे संबंधित इसका अधिकार है, ठीक है। चलिए हिरासत से रिलेटेड जो अधिकार आते हैं वो आपके आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं। अब ये हिरासत में लेने संबंधी जो अधिकार है इसमें हम कहते क्या है, देखो इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, मनमानी हिरासत में लेने से रोका जाता है, ठीक है। मतलब पुलिस वालों का मन आया और आप उनको पसंद नहीं आए तो आपको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। ऐसा एक एक्ट कभी पहले ब्रिटिश टाइम पे भी आया था, मनमानी गिरफ्तारी, एक सिंपल सा शब्द है मनमानी गिरफ्तारी, इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं किसी एक एक्ट से, याद कीजिए कभी किसी जमाने में रॉलेट एक्ट आया था जिसको काला कानून कहा गया था, है कब आया था रॉलेट एक्ट, 1919 है, ठीक है। इस मनमानी गिरफ्तारी को रोका गया है, ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी को रोका गया है, स्टॉप किया गया है आर्टिकल 22 के अंदर। ये नहीं कि पुलिस वालों की मना रही है और किसी को भी अरेस्ट कर लिया, ये नहीं चलेगा, मनमानी गिरफ्तारी या बंदी बनाए जाने के विरुद्ध ये अधिकार है। बंदी बनाए जाने में अगर किसी को बंदी बनाया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है,
तो बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी को बंदी बनाया गया, किसी को भी अरेस्ट किया गया, तो पहला उसको बताना पड़ेगा आधार क्या है, किस आरोप में उसे अरेस्ट किया गया। आपने सुना होगा, कई मूवीज में भी देखा होगा आपने, किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है, अगर वो लिटरेट है, समझदार है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले पूछता है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करता है, वो पूछता है कि ये बताओ भैया कि अरेस्ट वारंट कहाँ है, समझ रहे हो। अरेस्ट वारंट मांगने का मतलब जो रीजन है वो क्या है, ठीक है। हाँ, अरेस्ट वारंट क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज उसको अधिकार है कि वो क्या करे, अपने अरेस्ट होने का रीजन जाने, ठीक है। अरेस्ट होने का रीजन जानने का उसको पूरा पूरा अधिकार है, इसीलिए क्या हुआ है, वो पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है गाइस, मतलब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है, एक बार फटाफट से कमेंट में मुझे बता दीजिए कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है या नहीं चैट के अंदर। ओके ओके ठीक है। जो व्हाइट बोर्ड है वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक मिनट में जरा इसको करेक्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल 22 के ऊपर बात कर रहे थे, और इसके अंदर हमने कहा था मनमानी हिरासत जो है, ठीक है, उसको रोका गया है, उसको प्रतिषेध किया गया है, कैसे किया है वो समझते हैं, ठीक है। तो मनमानी गिरफ्तारी या मनमानी हिरासत, हिरासत एक कॉमन वर्ड है जो लॉ के अंदर यूज होता है हमारा, तो ये वहीं से रिलेटेड, ठीक है। हिरासत, अरेस्ट, कुछ भी आप किसी भी तरीके से याद कीजिए, ठीक है। मनमानी हिरासत जो है उसको अवॉइड करने का जो है काम यहाँ किया गया, ठीक है, आर्टिकल 22 के अंदर, ठीक है। अब किसी को भी अगर गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो उसको दिए गए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। मतलब गिरफ्तार जो आदमी हो रहा है उसका ये मतलब तो है नहीं ना कि उसने केस वो किया ही हो जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा हो, ऐसे में हो सकता है बाद में वो आदमी छूट जाए, हो सकता है उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हो। अगर ऐसे में गलत आरोप लगाए गए और स्टार्टिंग में ही पुलिस ने उसको पनिशमेंट दी दी, तो ये तो कानून में गड़बड़ बात हो गई ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए ही जो है इस तरीके से आर्टिकल 22 का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, वाई, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है ये उसे पता होना चाहिए, यानी कि उसे बंदी बनाए जाने का आधार क्या है यह उसे पता होना चाहिए। रॉलेट एक्ट की तरह नहीं होना चाहिए, आधार क्या है ये उसे पता होना चाहिए। जिस भी आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है उसे बताया जाए कि भैया आप क्यों अरेस्ट किए गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो चाहता है वकील रखना, वकील अपॉइंट करना, तो वो अपनी पसंद का वकील रखेगा, मतलब हाँ, अगर वो वकील रखने की हालत में नहीं है तो सरकार उसे या कोर्ट उसे अपनी तरफ से वकील देगा, बट फिर भी अगर वो वकील रखना चाहते हैं तो उसको अपनी पसंद का वकील रखने की आजादी होगी, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते पुलिस वाले कि आप इस वकील को नहीं रख सकते, या कोर्ट ये नहीं कह सकता कि इस वकील को नहीं, इस वाले को रखो, ऐसा नहीं। जो भी उसका पसंद का वकील होगा वो उसे रख सकता है। और सबसे जो बेसिक चीज है वो है 24 आवर्स के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जो भी जिले के मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो भी सबसे नजदीक के मजिस्ट्रेट होंगे न्यायालय के रिलेटेड, उनके सामने उसको लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा भैया हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है एंड दिस इज द रीजन, इस वजह से किया हुआ है, और 24 घंटे के अंदर उनको बताना पड़ेगा कि हमने इन्हें क्या किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सबके साथ होगा या कुछ छूट भी है, मतलब सारे के सारे जितने भी लोग हैं उन सबको ये फंडामेंटल राइट दिया गया है, या ऐसा भी कोई है जिससे जिसको मतलब नहीं दिया गया। तो देखिए, पहला जो केस है वो आता है अगर हमारे एनिमी कंट्रीज है, शत्रु राष्ट्र का कोई है, तो उसके लिए ये जो है वो नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो एनिमी कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, तो उसको ये पाकिस्तान के किसी नागरिक को अगर अरेस्ट किया जाता है तो बेसिकली उसको इसमें से कोई भी राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो आता है वो है निवारक नजरबंदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो थोड़ा सा इस वाले को आपको याद रखना पड़ेगा। ये लॉ अपने आप में बहुत ज्यादा एक तरीके से क्वेश्चनेबल लॉ है, पर फिर भी निवारक नजरबंदी जो होती है ना, डिटेंशन जो होता है उसके अंदर ये जो चीजें हैं ये बड़ा खतरनाक सा चीज है, ठीक है। और ये निवारक नजरबंदी वाला जो कानून है, आर्बिट्री डिटेंशन वाला जो काम है, ठीक है, ये मतलब अपने आप में एक एक्सेप्शन है इसका,
अगर किसी को डिटेंशन के हिसाब से अरेस्ट किया गया है निवारक नजरबंदी में, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, वकील रखने की भी आजादी नहीं है। हो सकता है 24 घंटे क्या उसको 2-3 दिनों तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया जाए, है ना। और ये सारी चीजें एक्सेप्शनल है। इसमें से एनिमी कंट्रीज के बारे में तो हमने पढ़ना नहीं है, मैंने बता दिया आपको पाकिस्तान है, ठीक है, तो वहां का अगर कोई है, ठीक, ऐसे ही बांग्लादेश वहां का कोई है, तो इनमें हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, बाकियों को कर देंगे। अब ऐसी निवारक नजरबंदी की बात करेंगे तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा अभी आपको तो, ये क्या होता है। लेकिन अगर हम बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे कि जो डिटेंशन है वो किस तरीके से होता है, देखो अपने पास दो चीजें होती है। जब मैं निवारक कह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड का मतलब समझाना चाहूंगा। एक हमारे पास दंडात्मक विधान होते हैं, पनिशमेंट वाले। सेकंड वाला है निवारक नजरबंदी, यही वाला, इसकी अभी हम बात करते हैं। देखो निवारक नजरबंदी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। हाँ, एक तो है दंडात्मक विधान, अभी समझाता हूँ ये क्या होता है, और एक होता है निवारात्मक। बहुत ध्यान से समझ, यहाँ पे समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। एक दंडात्मक विधान होते हैं, एक होते हैं निवारात्मक विधान। देखो जो दंडात्मक टाइप के होते हैं, जिसमें हम पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, दंडात्मक, इनको कहते हैं प्यूमिटिव। इनके लिए जो इंग्लिश में वर्ड आता है वो आता है प्यूमिटिव। कोई भी प्यूमिटिव लॉ है या प्यूमिटिव वर्क है तो उसको हम यहाँ रखते हैं। और दूसरा आता है आपका प्रिमिटिव, ठीक है, और प्रिमिटिव के साथ में आप डिटेंशन जोड़ दीजिए, ठीक है। नजरबंदी से आपका मतलब हो गया डिटेंशन, प्रिमिटिव डिटेंशन, ये एक वर्ड बन जाएगा। ऐसे प्यूमिटिव डिटेंशन ये दूसरा बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इन दोनों के बीच का थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। आखिर ये है क्या? सबसे पहले तो दंडात्मक और निवारात्मक हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम बेसिकली बात कर पाएंगे कि किस विषय पे बातचीत चल रही है। प्रिमिटिव डिटेंशन क्या होता है, ठीक है। देखो दंडात्मक या प्यूमिटिव क्या होता है, मान लीजिए कोई लॉ था और लॉ तोड़ दिया, किसी ने कोई कानून तोड़ दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो उसको दंड देगा। न्यायालय आ जाएगा ना, और न्यायालय क्या है, दंड दे देगा, ठीक है। किसी ने लॉ तोड़ दिया तो न्यायालय उसे दंड देगा। ऐसे जितने भी विधान होते हैं उनको हम प्यूमेटिव टाइप के विधान कहते हैं, प्यूमेटिव टाइप के लॉ कहते हैं, या प्यूमेटिव टाइप का तरीका कहते हैं। प्यूमेटिव तरीके क्या हो गए, किसी ने लॉ तोड़ा तो उसको दंड मिलेगा, सिंपल चीज है। निवारात्मक या प्रिमेटिव ये थोड़ा अलग है। इसमें माना जाता है कि लॉ तोड़ा जा सकता है, मतलब आपको देखा और कहा कि यार ये आदमी चोरी कर सकता है, की नहीं उसने, पर देख कर लग रहा है या उसकी हरकतों से लग रहा है कि ये लॉ तोड़ सकता है या लॉ तोड़ा जा सकता है इसके द्वारा। तो ऐसे में क्या होगा, पुलिस का काम है कि वो भैया उसको वहीं पे पकड़ ले, ठीक है। मान लीजिए, सपोज कीजिए एक आदमी के हाथ में चाकू है, सिंपल, किसी के हाथ में चाकू आई और वो चाकू लेके तेजी से किसी आदमी की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही वो तेजी से किसी आदमी की तरफ बढ़ रहा है तो तुरंत पुलिस वाला अगर आसपास है तो वो क्या करेगा, उसको तुरंत पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, यार ये आदमी क्या कर सकता है, ये आदमी कत्ल कर सकता है। अभी उसने किया नहीं है, कर सकता है, इस संभावना के हिसाब से उसको पकड़ लिया। लेकिन अब ध्यान से देखिए, हो सकता है ना कि वो आदमी फल काटने जा रहा हो, या उसने चाकू मंगाई हो, उसे चाकू देने जा रहा हो, ये सकता है वाले बेस पे चलता है। ऐसे में जिस लॉ का यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे में जिस भी लॉ का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप के लॉज कहते हैं। प्रिमिटिव भविष्य के हिसाब से, निवारात्मक बचाने के लिए। अब इसमें बड़ा सिंपल सा चीज है, दंडात्मक या प्यूमिटिव में हम मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं होता है, मनमानी नहीं कर सकते पुलिस वाले की भैया उठा लिया किसी को भी। लेकिन निवारात्मक या प्रिमिटिव में मनमानी की जा सकती है। पुलिस वाले ने आपको देखा, आपके हाथ में चाकू थी, आपको अरेस्ट कर लिया। क्यों किया, हो सकता था भविष्य में किसी का खून करे, इसको देखते हुए अरेस्ट कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव कंडीशन के हिसाब से अगर किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे कहेंगे प्रिमिटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी। समझ में आया, मतलब ये कि पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट क्यों किया, इसलिए किया कि हो सकता है आप फ्यूचर में कोई गड़बड़ काम करें। समझ में आ गया इतना, इसलिए गिरफ्तार किया जाना कि आप भविष्य में कुछ काम करें, अभी तो नहीं किया है, फ्यूचर में करोगे। एंड फ्यूचर की कंडीशन के हिसाब से आपको क्या किया गया है, डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। दिस डिटेंशन, फ्यूचर के लिए डिटेंशन, इसको कहते हैं प्रिमिटिव डिटेंशन, ठीक है।
या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बड़ा वर्ड आता है इसके लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रिवेंट करना किसी चीज को, तो हम कहेंगे क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो क्या किया गया आपको, प्रिवेंट किया गया किसी चीज से, किसी भी चीज से, इट्स रिलेटेड, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट किया जाएगा खतरे को, थ्रेट को, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 22 का। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कि भैया मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, आपको मनमाने तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट आप एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर आपके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन का चार्ज लगाया गया है। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का चार्ज है ये इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के चार्ज के लिए अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो फिर ऐसे में आपके पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको मनमानी हिरासत में नहीं ले सकते हैं, आप आधार पूछ रहे हैं, नहीं। फिर आपको प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया है, आपको इसलिए अरेस्ट किया गया है कि आपसे खतरा है, ठीक है। थ्रेट किसी भी तरीके का थ्रेट हो सकता है। अब देखो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है, निवारक नजरबंदी है, ये अपने आप में इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है, तो बहुत बार इसको क्वेश्चन किया जाता है कि यार ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यूएसए और यूके, जिनसे हम मैक्सिमम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। निवारक नजरबंदी वहां नहीं है। अगर आपको कभी भी अरेस्ट किया जा सके तो आपका फंडामेंटल राइट का तो हनन हो, कोई भी अधिकार आपके पास तो बचे ही नहीं, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है पुलिस राज, तो ऐसे में तो पुलिस की मर्जी, पुलिस जिसको चाहे उसको उठा ले, तो पुलिस राज स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, नेता है कोई, पावरफुल नेता है, पुलिस का उपयोग कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, है ना। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई इसमें, है ना, पूछा ही नहीं आपको, उठाया अरेस्ट कर लिया, तो एक तरीके से रॉलेट एक्ट ही तो हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स किसी आदमी के बिल्कुल खत्म हो गए, समझ में आया। तो इन सारी वजहों से प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या किया जाता है, बुरी नजर से देखा जाता है, खासकर जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तब, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंडिया का नॉन डेमोक्रेटिक टेंडेंसी कहा जाता है। इंडिया की कैसी टेंडेंसी, नॉन डेमोक्रेटिक टेंडेंसी, समझ में आया। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी कि लोकतांत्रिक है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया का अलोकतांत्रिक तरीके का कोई आप कह सकते हैं लक्षण है, ठीक है, अलोकतांत्रिक लक्षण है, तो इसलिए काफी बार इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और फिलहाल हम क्या करते हैं, हम निवारक नजरबंदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लोग फटाफट से नोट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसमें से मैक्सिमम आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि निवारक निरोध या निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, फैक्चुअल बहुत ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपको लिखा दूंगा, आप वो फटाफट से लिख के याद कर लेंगे, उनका ईयर, खासकर ईयर उनके अंदर क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए निवारक नजरबंदी के अंदर केंद्र सरकार ने फर्स्ट में एक लॉ बनाया था, जिसको हमने कहा था NSA, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1950 से लेकर के 1950 में, यानी कि स्टार्टिंग में ही जब गवर्नमेंट आई थी तभी बना दिया था, 1950 से लेकर के 1967 तक चला था, सेंटर का था, केंद्र ने बनाया था, ठीक है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो कानून आता है वो है ये, स्टार्टिंग में बना दिया था। इसको निवारक निरोध अधिनियम भी कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी कहते हैं, 1950 में ये आ गया था, ठीक है। और 26 आप कह सकते हैं 26 फेब को ये बन गया था, 26 फरवरी 1950 को ये जो NSA है या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं या एंटी इंडिया लोग हैं उनको जो है पकड़ा जा सके, उनको जो है मना किया जा सके। और फिर 1971 तक आसपास ही चला था, 67 क्या 71 तक आप इसको मान के चलिए कि ये चला था, 71 में 31 दिसंबर के आसपास को ये माना जा सकता है कि इसको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि 1971 में एक नया एक्ट आया था मीसा, ठीक है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम 1971 के इसी मीसा एक्ट के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उनको इसी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, मीसा, ठीक है। मीसा क्या है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। हालांकि ये नाम आपको याद नहीं करना है, मीसा याद कर लेना है, 1971 के अंदर आया था, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या हुआ था कि 79 के आसपास में फिर ये खत्म हो गया था अपना मीसा, 79 तक ये बरकरार रहा था। क्या होता है ना, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो ये गवर्नमेंट है एक दूसरे में जब ये लॉज आते हैं, कोई बीजेपी लेके आई कोई कांग्रेस लेके आई, तो एक दूसरे के इन लॉज को खत्म करके अपना नया लॉ लेके आते रहते हैं वो, मतलब एक दूसरे पर ये आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसा कोई खास नहीं है, आपको बस यार याद रखना है कि मीसा जो है वो 1971 के आसपास आया था। अच्छा, मीसा के बाद फिर क्या हुआ था,
कोफे पोसा आया था और इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, कोफे पोसा। ठीक है, ये जो कोफे पोसा था ये बेसिकली आपका, आप कह सकते हैं ये था आपका एक तो तस्करी से रिलेटेड, और दूसरा आप मान के चलिए विदेशी मुद्रा जो होती है, इंडिया से जो बाहर पैसा जाता है, इंडिया के अंदर जो पैसा आता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1974 के अंदर कोफे पोसा आया था, 1974 में। और 1974 में जब कोफे पोसा आया तो ये किया गया कि भैया कोफे पोसा इंडिया के अंदर लगेगा और 1 वर्ष तक इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा। फिर क्या हुआ, 1984 में फिर एक अध्यादेश लाया, फिर इसमें 2 साल का अरेस्ट कर दिया कोफे पोसा के अंदर, और ये चलता रहा, अभी भी चल रहा है वैसे, कोफे पोसा एकदम हटा नहीं है, अभी भी चल ही रहा है ये मान के चलिए आप, कोफे पोसा खत्म नहीं किया गया है। ठीक है, फिर 1980 में दोबारा से एनएसए आता है, नया सुरक्षा कानून आता है, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये सारी जगहों पे लागू हो जाता है दोबारा से 1980 में, फिर से ये एनएसए का जो कानून है जो अभी भी काम कर रहा है एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कह देते हैं, वो भी आ गया। ठीक है, अब देखो उसके अलावा एक आया था टाडा 1985 के अंदर, ठीक है, ये आया था टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए टाडा, ठीक है, 1985 के अंदर, और ये लगभग लगभग आपका चला था जो 1985 से 1994 के आसपास तक आप याद रखेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे याद रखना, कब से लगा था इतना भी अगर आप याद रख लें तो काम बन जाएगा। फिर 2002 के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है पोटा, ये भी टेररिस्ट एक्टिविटीज का प्रिवेंशन था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत भयानक तरीके से आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि पोटा जो है 2002 के अंदर जो है ये आया हुआ था। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पोटा और पोटो, एक और आता है POTO, ठीक है, ये 2001 के अंदर आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस, और बाद में फिर क्या टाडा का ये फॉर्म था ये, उसके बाद फिर पोटा, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। आपको खैर जितना लिखा है ये याद रख लेना है, इतने से काम बन जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। UAPA, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 2004 से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, इसके अंदर काफी अरेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, UAPA, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना जो है अपने आप में काफी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये टाडा पोटो पोटा ये सब एक ही है, पहले टाडा आया उसके बाद POTO आया था, ऑर्डिनेंस था वो, फिर बाद में एक्ट बन गया तो पोटा हो गया, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर कहीं पूछ ले तो 2001 के अंदर इसी पोटा को पोटो कहा गया था, इतना याद रख लेना, काम बन जाएगा अपना। हालांकि इतनी डिटेल में आपसे पूछते नहीं है एग्जाम्स में, पर फिर भी कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अपना एनएसए हो गया, मीसा हो गया, कोफे पोसा हो गया, टाडा हो गया, पोटा हो गया, यूएपीए हो गया। यूएपीए याद रखना है, यूएपीए जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी काम कर रहा है, और एनएसए 1980 से दोबारा स्टार्ट हो गया था, ये आपको याद रखना है। एनएसए जो है 1980 के बाद दोबारा लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आया था ये एनएसए जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, इसका एक और नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, PDA जो था ये लगा था सबसे पहले। ठीक है, अब ये तो हट गया, तो याद रखना है आपको कि एनएसए जो कि 1980 से चल रहा है और यूएपीए जो चल रहा है, ये दो अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं, मतलब इसी के अंदर अभी भी क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख के ये सारे के सारे याद रख लेने हैं, इनकी लिस्ट बना लेना और याद कर लेना, इससे ज्यादा फिर बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है आपका कोफे पोसा, ठीक है, कोफे पोसा है, ये आपको याद रखना हो तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। ठीक है, हालांकि फुल फॉर्म पूछता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मतलब अब आपने कोफे पोसा पढ़ ही लिया है तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो याद रखना ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, टेररिस्ट एक्टिविटीज से नहीं है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कोफे पोसा भी है, बाकी TADA, पोटा, UAPA, पोटो, ये सारे सिंपल है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये भी प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट, ये भी प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट, ये जो है UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज है, ये इंडिया के अंदर भी जो है काम करता है। ठीक है, चलिए, मीसा, ये लालू प्रसाद यादव जी वाला हो गया, इमरजेंसी के टाइम पे मीसा काम कर रहा था 1971 के अंदर, तो इनसे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हमने लगभग सारा का सारा डिस्कशन कर दिया है आर्टिकल 22 के अंदर भी। ठीक है, मतलब जो बेसिकली इसके अंदर जो डिस्कशन किया जाता है जिन चीजों के बारे में वो। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को नजरबंद किया जाए इसी के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर किसी को गिरफ्तार किए गए तो क्या उसको भी कोई अधिकार होते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस पर बाद में बहुत सख्त एक्शन लिया है कि यार
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और आपने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, पीए यूएपीए एनएसए ये लगा करके, तो आप रॉयल एक्ट की तरह काम कर रहे हो। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से बार बार इसके ऊपर बातें करी, और उसके बाद फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स किसको भी दे दिए, इन लोगों को भी दे दिया जिनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता है, जिनको अरेस्ट किया जाता है, जिसमें से पहला अगर कोई नजरबंद व्यक्ति है तो उसको इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भैया आपको क्या किया गया है, यूएपीए या टाडा के अंदर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ये पूरी की पूरी सूचना जो है उस आदमी को दी जाएगी जिसके ऊपर यूएपीए या टाडा लगे, और साथ में उसको अपना पक्ष भी रखने दिया जाएगा कि वो बताए कि उसके ऊपर जो ये एक्ट लगा है उसके पास गन थी, बिना लाइसेंस की गन थी तो क्यों थी, क्या रीजन था, ये बताए वो, ठीक है। उसके अलावा अगर भाई आपको आप चाहते हैं कि 3 महीने से ज्यादा, 3+ मंथ, ठीक है, अब ये किसी भी लॉ के लिए काम करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी टाइप एक आप कह सकते हैं इसको, 3 से ज्यादा महीने के लिए अगर आप किसी को नजरबंद रखते हैं तो फिर ऐसे में एक समिति जो बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो उसकी, और 3 लोगों की एक कमेटी होगी, वो 3 लोगों की कमेटी मिलकर के फैसला करेगी कि इस आदमी को 3 से ज्यादा महीने के लिए रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में या फिर नहीं रखना है, नजरबंद रखना है या फिर नहीं रखना है। इन द सेम वे इसमें केवल पुलिस ही नहीं आएंगे, इसके अंदर जुडिशरी भी शामिल हो गई है। पहले क्या था, केवल पुलिस वालों को अधिकार था, अब जुडिशरी भी शामिल है, पुलिस वाले जुडिशरी को शामिल करके इसमें आगे बढ़ेंगे। मतलब ये नहीं होगा कि अदालत को बताया ही नहीं और आदमी को जेल में रखा हुआ है, जब तक रखना चाह रहे तब तक, ऐसा नहीं होगा, जुडिशरी को सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो दे दिए गए हैं। अब आर्टिकल 2 के अंदर भी अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता है तो उसके अंदर भी, सिंपल है इतना, ठीक है। तो इसको इसी पॉइंट से आप लोग याद रख लेंगे। मेन चीज जो इसमें याद रखने वाली थी वो ये सारे के सारे एक्ट हैं, इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। फिर इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आएगा, तो आर्टिकल 22 अपना खत्म, हाँ 21 के बाद आर्टिकल 22 भी हो गया, अब आर्टिकल 23 की तरफ जाएंगे हम लोग। अब जो आपके आर्टिकल आएंगे 23 वाले, ये आपके कौन से होंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार होंगे, ठीक है। 23 और 24 कौन से आर्टिकल थे याद है आपको, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 23 से, ठीक है, आर्टिकल 23 से। 22 पूरा हो गया अपना, आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, उसका आप लोग कमेंट के अंदर जो है आंसर दे देंगे अभी। हम लोग सीधा पॉलिटी चलाते रहे या फिर 3 दिन पॉलिटी 3 दिन सम अदर सब्जेक्ट, जो भी आप लोग चाहें इस तरीके से करें, या फिर पहले पॉलिटी खत्म करें फिर अगला इस तरीके से। तो एक बार कमेंट के अंदर ये भी बता दें, ठीक है, टाइप करके अभी चैट के अंदर बता दीजिए फटाफट से क्या किया जाए, मतलब किस तरीके से चले, ठीक है, ये भी बता देना। तब तक मैं आर्टिकल 23 आपको बता दूं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के अंदर ही आर्टिकल आपका 23 आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक तो मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, मानव व्यापार। हिस्ट्री प्रिंस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब हम पहले केवल लगातार पॉलिटी खत्म करें फिर हिस्ट्री शुरू करें, या 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन पॉलिटी, या इस तरीके के सब्जेक्ट करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो भी हो, मतलब 3 दिन 3 दिन करके पढ़ें या लगातार पॉलिटी ही पढ़ते रहें, ठीक है। एक तो मानव व्यापार को प्रिवेंट किया गया आर्टिकल 23 के अंदर, मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा बलात्श्रम, ये कुछ अच्छे वर्ड हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम। बलात्श्रम को भी प्रतिषेध किया गया है, ठीक है, बलात्श्रम के साथ साथ एक वर्ड और जोड़ लीजिए, बेगार, बेगार को भी प्रिवेंट किया गया है 3 3 दिन करके, ओके, ठीक है। बाकी भी बता दो क्या करना है, ठीक है। तो मानव व्यापार, बलात्श्रम और बेगार, इसको भी आप रख सकते हैं इसके अंदर, इनको मना किया गया है कि ये नहीं होगा, ठीक है। बट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सिंपल है, समझना आसान है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। मानव दुर्व्यापार का मतलब हुआ, एक तो रुपया पैसा देके मानव को खरीदना, इंसान को खरीद रहे हैं आप, आपने अपने लिए नौकर खरीद लिया, जिसको हम गुलाम बना के रखते थे ना पहले, जिस तरीके से एक कल्चर था गुलाम कल्चर, ईस्ट वेस्ट में और अपना अरब वगैरह में, ये वाला जो कल्चर था गुलाम बनाने वाला, ये प्रिवेंट किया गया है। उसके अलावा गलत तरीके से मानवों के अंगों की बिक्री करना, मानव अंग बेचना, यह भी मानव तस्करी के ही अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा वुमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ये सब के सब ट्रैफिकिंग में आते हैं, वुमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है, बच्चों को बेचना, वुमेन्स को बेचना, उनके बॉडी पार्ट्स बेचना, किसी के भी किडनी लीवर, उसके अलावा क्या, किसी भी तरीके से पैसा लेना, इन सब को प्रिवेंट किया गया है आर्टिकल 23 के अंदर, ठीक है। बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब बेसिकली हुआ कि आप नहीं करना चाहते, बंधुआ मजदूरी, आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं और जबरदस्ती आपको लगाया हुआ है, ऐसे काम को हम कहेंगे बंधुआ मजदूरी, ठीक है। मतलब किसी को मजबूरी में तेल के कुओं के साथ बांध दिया गया है कि भैया काम तो आपको यही करना है,
इसको भी मना किया गया है, मानव व्यापार दुर्व्यापार को भी मना किया गया है, और बेकार बेकार को भी मना किया गया है। बेकार का मतलब क्या हुआ, आपने रुपया दिया नहीं और काम करवा लिया, इसको कहते हैं बेकार। ठीक है, बिना पैसा दिए काम करवा लेना, इसको भी मना किया गया है। बेकार को भी क्या किया गया है, प्रिवेंट किया गया है। तो मानव दुर्व्यापार को, बलात्श्रम को और बेकार को आर्टिकल 23 के अंदर क्या किया गया है, मना किया गया। अच्छा, बेकार का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पैसे दिए ही नहीं, यह भी होता है कि आपने जो उस समय फिक्स रेट चल रहा है उस रेट से कम पैसा दिया हो, फिक्स रेट से कम। मान लीजिए अभी जो मजदूरी चल रही है, मार्केट रेट उसका मान लो 400 रुपया पर डे चल रहा हो, ठीक है, 400 रुपीज पर डे, और आपने किसी मजदूर को 300 रुपये दिए, तो आपने उससे बेगार करवाया। समझ में आया? यानी कि केवल रुपए ना देना ही नहीं, आपने 1 भी रुपया नहीं दिया इस बेगार, आपने 300 दिए इस बेगार, बट इज नॉट बेगार। आप उसको 400 पूरे दे, 400 पूरे दे दिए, उसने जितना काम किया उसका पैसा मिल गया, इट इज नॉट बेगार। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया बेगार क्या होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें एक अपवाद आपको देखने के लिए मिलेगा, एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है एक मौलिक कर्तव्य, इंसान या इंडिया के अंदर जो नागरिक है उनका एक मौलिक कर्तव्य है, स्टेट को अगर कभी जरूरत पड़ती है तो राज्य आपको निःशुल्क सेवा में लगा सकता है। हालांकि वो वहां पर भेदभाव नहीं करेगा, ये नहीं कि केवल हिंदुओं को लगा रहा है, केवल मुस्लिमों को लगा रहा है, नहीं, आम जनता से वो कहेगा कि देखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। किसी गाँव से, मान लीजिए ये बॉर्डर है आपका, इस गाँव से एक ब्रिज बनाना है, तो वहां पर गांव के सारे लोगों से वो कह सकता है कि आप ब्रिज बनाइए, राज्य कह सकता है कि ब्रिज बनाइए, इसके बदले में कोई पैसा नहीं देगा, इसको बेगार या बलात नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब राज्य जो है किसी सार्वजनिक सेवा, क्योंकि ब्रिज तो सबके काम आएगा, देश के काम आएगा, ऐसे में स्टेट चाहे तो बलात या बेगार वाली कंडीशन पैदा कर सकता है, बिना पैसा दिए आपको उस काम में लगा सकता है। ठीक है, हालांकि ये देश के हित में ही है, तो इसलिए ये वाले काम चल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई भी जो है बलात्श्रम या बेगार नहीं करवा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 23 के अंदर आता है, और इसी से मिलता जुलता आर्टिकल 24 भी है, सेम चीज है। यही ऊपर जो मैंने चीजें लिखी है ना आर्टिकल 23 में, इन्हीं को बच्चों पे अप्लाई कर दीजिए, तो इसको हम कहेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में जो जो चीजें मैंने लिखी है उसी को आर्टिकल 24 में आप बच्चों के लिए पढ़ दीजिए। जैसे 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसे कारखानों में नहीं लगाया जाएगा जहां उसकी जान को खतरा हो। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों के लिए आता है 24। बालकों के नियोजन का प्रतिशोध आता है, प्रतिषेध आता है सॉरी। ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है ना यही पूरा मान लीजिए आप, इन्हीं में से कुछ चीजें बच्चों के लिए लागू कर दीजिए। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से, किसी बड़ी फैक्ट्री है जो खराब है जहाँ काम नहीं करना चाहिए बच्चों को, वहां लगा दिया, ग्लास फैक्ट्री में, तंबाकू फैक्ट्री में लगा दिया है, किसी कारखाने में लगा दिया, धुआं आ रहा है जहाँ, ऐसी जगह नहीं लगा सकते, कारखानों में नहीं लगा सकते, फैक्ट्रीज में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रिवेंट किया गया है। उसके अलावा जैसे, हाँ मान लीजिए किसी के घर में कोई होटल में काम करता है, घर चलाते हैं, वहां काम कर सकता है, घरेलू कामों में वो लग सकता है, अपना आराम से काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई खतरनाक उद्यम है तो वहां काम नहीं कर सकता। और 14 उम्र से कम वालों को तो वैसे भी पढ़ना है, स्कूल पढ़ना है ना, फंडामेंटल राइट है उनका, तो वो काम नहीं कर सकते। ये चाइल्ड के लिए याद कैसे करना है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो मतलब याद करना चाहें तो उस ट्रिक से करें, एल्सवेयर आपकी मर्जी है। आर्टिकल 23 एंड 24 दोनों को ऐसे याद रखना है, 23 एंड 24। 23 इज बड़े मियाँ, व्हाट इज 23 इज बड़े मियाँ, 23 बड़े जो लोग हैं उनके लिए आता है, और 24 छोटे मियाँ यानी कि बच्चों के लिए आता है। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ करके याद कर लेना आर्टिकल 23 एंड 24, बहुत बढ़िया ट्रिक है। 23 24 इसी तरीके से याद हो जाता है, सारे काम यहाँ और सारे काम यहाँ एक साथ याद कर लेना, बलात्श्रम है, बेगार है, ये सब ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, सिंपल। ठीक है, हो जाएगा इतना। चलिए, तो आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में इतना ही है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आपको डिटेल में मिलेगा नहीं, सिंपल चीजें हैं, सिंपल पढ़ना है। ठीक है, हालांकि याद रखना राष्ट्रीय सेवा के लिए वो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक्सेप्शन याद रखना, अगर राष्ट्र की सेवा करनी हो तो फिर पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, राष्ट्र की मदद करनी पड़ेगी आपने। ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट में मुझे ये भी बता देंगे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, सभी लोग फटाफट से कमेंट के अंदर भी लिख लेंगे कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कमेंट के अंदर बताते भी रहिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो अपना आर्टिकल 24 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंचेंगे आर्टिकल 25 में, जो कि आपका रिलेटेड है रिलीजन से। अब रिलीजन की जो फ्रीडम्स हैं ये हम कल करेंगे, रिलीजियस जितना भी मुद्दा है। ओके, तो कविता कह रही है 3-3 दिन करके पढ़ते हैं, ठीक है 3-3 दिन करके कर लेंगे। तो 3 दिन आपका पॉलिटी जो है वो चलेगा, 2 क्लासेस हो गई हैं आपकी आज और कल में, 1 क्लास आपकी कल हो जाएगी पॉलिटी की। ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगा आपका जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं वो वाले भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
धीरे धीरे फिर आपकी जो क्लास है वो थोड़ा सा तेज चलने लग जाएगी। ओके प्रिंस, 3 3 दिन ठीक है, और 3 दिन ये और 3 दिन हिस्ट्री, ठीक है हिस्ट्री भी कर सकते हैं वैसे। हाँ ये भी बता दो कि 3 दिन बाद क्या करेंगे, कल पूछ लूंगा मैं वैसे आपसे कि परसों किस चीज की क्लास रखनी है। अभी पॉलिटी चलेगी, कल आपकी पॉलिटी की ही क्लास होगी, ठीक है। आपके कोई दोस्त वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं क्लास, बेसिकली बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आराम से पॉलिटी का पूरा नोट्स आपका कवर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 2 दिन 1 महीने आधे महीने वाली क्लास नहीं है, लंबी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे हम, 3 से 4 महीने लगेंगे और उसमें सारा कवर हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए ओके फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी भी बता दीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, क्या करना है, ठीक है। कल पॉलिटी होगी, परसों फिर 3 दिन हम लोग कोई और सब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है, 3 दिन कोई और सब्जेक्ट कर लेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आधी क्लास हमने पहले पढ़ी हुई थी, आधी अभी पढ़ ली है, तो 2 क्लासेस आपकी हो गई हैं। यूट्यूब पे आपको 9 बजे ये क्लास जो है वो मिल जाएगी, दोनों क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी वहाँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, ओके गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। पॉलिटी अभी तक का पूरा रिविजन कर लेना, और जो मैंने आपको टेबल बना के दी है एनएसए वगैरह वाली, वो पूरी की पूरी पढ़ लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। बाकी आर्टिकल्स आप लोग रोज के रोज याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, गुड नाइट गाइस।